बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपडेट कर दिया गया है। जिस प्रकार से 2023 में मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिया गया है, तो किस दौरान से आपका किस टाइम में रिजल्ट आएगा उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और आपको इंटरमीडिएट का कॉपी जो कि कब जांच किया जा रहा है और मैट्रिक का कॉपी कब जांच किया जा रहा है, कहां कहां पर जिले में आपका सेंटर बनाया गया है और कितना जो कि सेंटर अभी अधिकृत किया गया है, सारा प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूबे में इंटर मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए मैट्रिक हुआ या इंटर 440 केंद्र आपको बनाए गए हैं, जिसमें आपको इंटरमीडिएट कॉपी जांचने के लिए पूरे राज्य भर में 125 केंद्र बनाया गया है और मैट्रिक के लिए 315 केंद्र आपको बनाया गया है। हर मूल्यांकन पंथ केंद्र पर आपको सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। ये आपको परीक्षकों को लिए नियुक्ति कर ली गई है। जो आदमी के इसमें जांचने के लिए आदेश दिया गया है कॉपी, उनके ऑलरेडी नियुक्ति कर लिया गया है। केवल वेबसाइट से अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड करेंगे, आई कार्ड को डाउनलोड करेंगे और कॉपी जांचने के लिए वो चले जाएंगे। यहाँ पे आपको जिस प्रकार से बताया गया है कि दो पाली में कॉपी आपको जाँच किया जाएगा, जो आपको पूरे बिहार में इंटर के लिए 125 केंद्र आपको बनाया गया है, जिसके लिए केवल इंटरमीडिएट का यानी 24 फरवरी से ही कॉपी जांचा जाएगा, जबकि यानी कल से ही इंटर का कॉपी जांच इसमें शुरू किया जाएगा। दो पालियों में जो कॉपी आपको जांच किया जाएगा सुबह 8 बजे से और दूसरे आपको 1 बजे से इसमें शुरू किया जाएगा। पटना में इंटर के लिए 6 और मैट्रिक के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। जिस प्रकार से टोटल बिहार में 440 केंद्र बनाए गए हैं, हर एक जिला में इसका एक केंद्र बनाया जाता है। जिस प्रकार से बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा ऑफिस भी डिसाइड किया जाता है, जिस प्रकार से कॉपी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आपको सेंटर वाइज ये कॉपी भेज दिया जाता है, इसमें आम आदमी के लिए कहीं पता नहीं चलता है कि जो कि सेंटर पर किस कॉलेज का किस स्कूल का आया हुआ है कॉपी जाँच करने के लिए। यहाँ पे आपको मूल्यांकन के लिए 24 फरवरी से शुरू कर दिया गया इंटर का और मैट्रिक का मूल्यांकन जो कि संभावना भी बताया जा रहा है कि होली के बाद से जो कि आपको शुरू किया जा सकता है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। ये आपको जिस प्रकार से सूचना जारी किया गया है, बिहार बोर्ड द्वारा ही सूचना जारी किया गया है। 2023 में जो कोई छात्र एवं छात्रा परीक्षा दिया इंटर का, उनका जो कि मार्च में ही आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पहले आपको इंटर का रिजल्ट आता है, उसके बाद ही आपको मैट्रिक का रिजल्ट इसमें जारी किया जाता है। जिस प्रकार से मैट्रिक का रिजल्ट आपको लास्ट 31 मार्च तक आपको बताया जा रहा है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बुधवार को समिति कार्यालय में आयोजित संवाददाता के सम्मेलन में भी ये बात बोल दिया है। यहाँ पे 31 मार्च तक इंटर का रिजल्ट आपको जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको जाहिर सी बताया गया है कि मैट्रिक का जिस प्रकार से कॉपी जांच किया जाएगा, वो 12 मार्च के बाद से ही जांचना शुरू किया जा सकता है। इसमें आपको 24 तारीख यानी कल से ही इंटरमीडिएट का कॉपी जांचना इसमें शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान में आपको तकरीबन जिस लेवल मैंने आपको सेंटर बताया था, उस लेवल में पटना में भी या आपको जिला वाइज जो कि काफी सेंटर आपको बताया गया है। ये दो पाली में आपको कॉपी जांच किया जाएगा। ठीक, आपको होली के बाद से ही अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है 1 मार्च से भी कहीं मैट्रिक का भी कॉपी आपको जांचा जा सके, लेकिन मैट्रिक का कॉपी अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अनुमानित के तौर पे होली बाद जो कि आपका इसमें जांचना शुरू हो जाएगा कॉपी। अगर पहले भी होता है तो 1 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में ही आपका कॉपी का जांचना मैट्रिक का शुरू हो जाएगा, लेकिन इंटर का 24 फरवरी से ही आपको शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जितना अपडेट था बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा 2023 में जो कोई छात्र एवं छात्रा एग्जाम दिया था पास आउट होने के लिए, सारा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उड़ा शर्मा फिर मुतर अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।